आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति शास्त्र में जो भाग किताब जो दूसरी किताब है आपकी उसमें अध्याय 5 अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका भाग तो है, इसके पहले भी हमने अधिकार के लक्षण और अधिकार के भाग बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अधिकारों का वर्गीकरण कि किस प्रकार अधिकारों को विभिन्न स्तरों पर बांटा गया है और समय और परिस्थिति के साथ ही हमारे अधिकारों में बदलाव होता है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि एक निश्चित उनको वर्ग बना रखकर किसी अन्य वर्ग में भी रख सकते हैं। तो ये अधिकारों को मैन 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अब इसके बाद जो हमने वैसे पूर्व में आपको प्राकृतिक और नैतिक का अर्थ बताया था मोरल, उसके बाद जो कानूनी अधिकार है उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक अधिकार होता है, राजनीतिक और मौलिक। तो इस प्रकार हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये अधिकारों का वर्गीकरण बता दिया है, 3 प्रकार के होते हैं और जो कानूनी अधिकार है वो भी 3 प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे इनका विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, प्राकृतिक अधिकार क्या है। प्राकृतिक अधिकार को किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे ही मानव का जन्म होता है और ये अधिकार उसके साथ उपलब्ध हो जाते हैं और इन्हीं अधिकारों से वो अपना क्या कर सकता है, सर्वोत्तम विकास कर सकता है। ये अधिकार समाज व राज्य के आगमन के पूर्व के हैं। तो इन अधिकारों को कोई भी उनसे छुड़ा नहीं सकता है, ना समाज ना राज्य छुड़ा सकता है। और लेविथियम ने कहा भी है कि तुम दूसरों के लिए वही करो जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक अधिकार जीवन के स्वाभाविक हैं और आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे हैं जिससे हम कभी मान समाज में जो मोर नैतिकता रहती है और उस व्यक्ति का जो नैतिक आचरण होता है उससे संबंधित होते हैं। और ये नैतिक अधिकारों को जनमत, धर्मशास्त्र व जनता की आत्मिक चेतना के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब व्यक्ति में कुछ अच्छे गुणों का विकास होता है, उनका राज्य द्वारा कोई संबंध नहीं होता है। तो नैतिक अधिकारों का संबंध अंदर से आता है और वो कर्तव्यों से होता है। अपने बच्चों से सेवा करवाना माँ बाप का अधिकार है और बच्चों का क्या है, कर्तव्य, की एक नैतिक अधिकार है। तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार ये राज्य से संबंधित होते हैं और ये कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यदि ये कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति उच्च क्या कहना चाहिए, उसको खुली छूट मिल जाएगी, वो उल्लंघन कर सकता है भी किसी चीज का। इसलिए कानूनी अधिकारों का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसके अनुसार और भी अधिकार जो कानूनी अधिकार हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और मौलिक। सामाजिक अधिकार का मतलब है कि हम समाज में सुख पूर्वक रहें और इन अधिकारों को हमारा समाज तथा शासन मान्यता देता है और उनकी क्या करता है, रक्षा। तो जो सामाजिक अधिकार हैं उनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत या नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। ये जैसा इनका नाम दिया हुआ है वैसे ही आप, धार्मिक अधिकार का मतलब होगा कि हम अपना अपना धर्म का पालन करने की हमें छूट है। जीवन का अधिकार पहले बता चुके हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए कि हम जीवन अपना जीवन क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकें, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का अंग है और वो मतलब बचाव कर सकता है। व्यक्ति को अपने को सुरक्षित रखने का पूरा क्या है, अधिकार है, अपने को बचाने का क्या है, अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब
ये राज्य प्रदान करता है कि व्यक्ति इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक देश में, स्वतंत्र देश में कहीं भी आ जा सकता है और निवास कर सकता है। तीसरा है न्याय पाने की स्वतंत्रता। हमें यदि हमारे प्रति कोई अन्याय होता है तो हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं, और यदि अन्याय होता है तो राज्य की भी, राज्य को ये अधिकार है कि उस व्यक्ति को न्याय प्रदान करना देना चाहिए। चौथा है आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार। आत्मसम्मान मतलब अपनी गरिमा बनाने का अधिकार। गरिमा अलग होती है और एक कीमत अलग होती है। तो गरिमा बनाने का है कि यदि हमारे आत्मसम्मान को किसी के द्वारा ठोस पहुंचती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति मान हानि का दावा कर सकते हैं और आज उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। पांचवा है समुदाय बनाने का अधिकार। हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम भिन्न भिन्न समुदायों का सदस्य बनने का हमें अधिकार है। ये संघ या समुदाय राजनीतिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी। आपने देखा कितने सांस्कृतिक क्लब बनते हैं, तो इनमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई रोक सकता है। इसके बाद जो छठवां हमारा अधिकार होगा वो है सभा करने का अधिकार। आप देखते हो ना कि हमें कोई, यदि सभी नागरिकों को समाज में कोई बात पहुंचानी है, कोई विशेष बात पर हमें जनता को आकर्षित करना है तो हम सभा कर सकते हैं। सातवां है विचार और अभिव्यक्ति का आधार। ये भी आप पढ़ चुके हो कि हम अपने विचारों को लिखित माध्यम से, भाषण के माध्यम में और प्रेस के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। ये था आपका सामाजिक अधिकार जो कि खत्म हो गया। इसको चार भागों में बांटा गया, तीन भागों में। अब है आर्थिक अधिकार। आर्थिक मतलब जिससे हमको अर्थ की प्राप्ति हो, हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो पहला है इसमें आजीविका का अधिकार। आजीविका मतलब जीवित रहने के लिए, अपना जीवन यापन अच्छे से करने के लिए हमें स्वतंत्र हैं हम। हमें कोई भी धंधा करना है जिससे, ये नौकरी करना है तो हम स्वतंत्र, हमें इस पर कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है काम का अधिकार। आजीविका मतलब आप इच्छा अनुसार, काम मतलब सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। काम के अधिकार से क्या होती है, व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है, व्यक्ति का सम्मान होता है। यदि वो कार्य नहीं करता है तो वो स्वयं और उसका परिवार अपराध बोध से ग्रस्त हो सकता है। तो व्यक्ति राज्य से काम की मांग करता है और राज्य उसे काम नहीं देता तो उससे गुजारा, गुजारा भत्ता सभी को तो नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था साम्यवादी देशों में है। भारत में सरकार नागरिकों को इस दशा में सहायता प्रदान करती है। फिर है जो काम भी करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं तो उनको कम से कम इतनी मजदूरी मिल सके कि वो अपना दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, मतलब जिससे किसी का आर्थिक शोषण ना हो। तो नागरिक जो राज्य है वो नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करता है। उसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया हो तो अपने काम के बदले में वो कम से कम उतनी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सके। फिर है अवकाश का अधिकार। अवकाश मतलब कि आप लगातार काम करेंगे तो आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें, जैसे अपने भारत में अधिकतर संडे को छुट्टी दी जाती है, तो काम के जो घंटे हैं, काम की दशा, उसमें सुधार किया जाता है और प्रत्येक नागरिक को साप्ताहिक अवकाश और वर्ष के अर्जित अवकाश की भी क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। मेडिकल लीव की व्यवस्था तो है ही, साथ में साप्ताहिक अवकाश मतलब सप्ताह में एक दिन का अवकाश देने की भी व्यवस्था है। फिर है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। जैसे जो
वृद्ध हैं, किसी विशेष बीमारी से हैं, विकलांग हैं, या जिनका कोई नहीं है, तो उनके लिए भी आर्थिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। जैसे निःशुल्क चिकित्सा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब व्यक्तियों को अपने देश से, अपने राज्य से प्राप्त होती है। अब हमारा तीसरा है धार्मिक अधिकार। धार्मिक में भी पढ़ चुके हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष धर्म का वो पालन करवाता हो, लेकिन सब व्यक्ति अपने अपने धार्मिक विश्वास का अधिकार है, जो पहला पॉइंट है। कोई भी धर्म पर विश्वास रख सकता है, और राज्य की ओर से इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। धर्म के प्रचार प्रसार का आधार वो अपने धर्म को, अपने अनुयायियों का धर्म को फैलाने का उसके पास अधिकार है। प्रेम तथा स्नेह से धर्म परिवर्तन पर कोई प्रतिबंधन है? नहीं है, लेकिन यदि आप जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वो उचित नहीं है। तो जो धर्म प्रचारक हैं वो शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं। पूजा करने का अधिकार, अपने अपने धर्म और विश्वास के अनुसार अपने इष्ट देवता को पूजा करने का अधिकार प्राप्त है, और यदि वो धर्म के मामले में रुचि लेता है तो उसे सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन राज्य किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है। फिर है अगला सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक मतलब व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के अनुसार केवल वो पैसा ही नहीं कमा सकता, मनोरंजन के लिए कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करता है। जैसे आप हमारे देश में दशहरा, दिवाली, आप देखते हो मकर संक्रांति, लोग अपने सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम को समय समय पर करते हैं, जो उनकी रीति रिवाज है। तो इससे क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, लोगों में सहयोग की भावनाएं आती हैं। पुस्तकालय भी एक प्रकार का सांस्कृतिक अधिकार है, चिड़ियाघर बनाते हैं, प्रयोगशाला, अन्वेषण केंद्र, इससे नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलता है। तो मनोरंजन करता है व्यक्ति, दिन भर तो काम करता ही है, लेकिन व्यक्ति को कभी कभी अपने मनोरंजन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संगीत क्लास, कलाएं, चित्रकला, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य द्वारा जितना हो सकता है वो करता है। ये हो गया सांस्कृतिक अधिकार। अब हम पढ़ेंगे, हमारे तीन अधिकार मैम थे सामाजिक, अब हम पढ़ेंगे राजनैतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में ये 6 पॉइंट आते हैं। मतदान का अधिकार, आप समझते हो कि हमारे भारत देश में एक निश्चित उम्र के बाद, 18 वर्ष की आयु के बाद मतदान कर सकते हैं, और अपने इच्छानुसार प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, और यही प्रतिनिधि हम उच्च पद को धारण करते हैं और हमारी सरकार का निर्माण करते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, यदि आप में वो योग्यता है, तो आप क्या कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। अलग अलग संसद, विधानसभा, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं होना चाहिए, तो इस प्रकार आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। सरकारी पद प्राप्त करने के लिए आपने देखा है कि परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, यदि आप में उसका चयन हो जाता है तो इस प्रकार आप किसी भी पद को धारण कर सकते हैं, उस पद के लिए आपने तैयारी की है। उसके बाद है प्रार्थना पत्र भेजने का अधिकार, आवेदन करने का अधिकार। प्रार्थना पत्र मतलब आपकी कोई मांग है, और किसी कर्मचारी के विरुद्ध आपको न्याय चाहिए है, तो आप आवेदन भेज सकते हैं। फिर है पांचवा, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार। ये भी है राजनीतिक चुनाव में, आप देखते ना संगठन बनते हैं, तो अपना दल बना सकते हैं, आप कोई नया दल भी बना सकते हैं। और ना ही तो ये जो राजनीतिक संगठन
और अधिकार दिया है, ये जरूरी है हम राजनीतिक संचालन के लिए, चुनाव के लिए। छठवां है सरकार की आलोचना का अधिकार। जो पार्टियां होती हैं, यदि आपको उस पार्टी का व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना है, लेकिन आप उस पार्टी के जो कार्य हैं, यदि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उनकी आलोचना करने का भी अधिकार है। फिर है नागरिक अधिकारों तथा राजनीतिक अधिकारों में थोड़ा सा अंतर होता है। नागरिक राज्य में रहने वाले अन्य व्यक्ति सभ्य जीवन नहीं बिता सकते हैं। नागरिक अधिकारों में से कुछ अधिकार तो विदेशियों को भी दिए जाते हैं, जीवन का अधिकार, ये न्याय पाने का अधिकार, ये कुछ क्या है हमारे नागरिक अधिकार हैं। और राजनीतिक अधिकार उनको दिए जाते हैं, ये अधिकतर विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। मतदान का अधिकार, किसी भी राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार, जब तक वो यहाँ की नागरिकता ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उनको ये अधिकार नहीं दिए जा सकते। फिर हमारा तीसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आप बहुत बार पढ़ चुके हो, संविधान वाले पाठ में भी पढ़ चुके हो कि 6 मौलिक अधिकार भारत नागरिकों को दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध सामाजिक सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार और संविधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा है मानव अधिकार। इसकी इसका एक अलग से संगठन है, इसका एक अलग से आयोग होता है, मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में की गई थी। ये हमेशा सन पूछते हैं कि मानव अधिकार जो आयोग बना वो कब से लागू किया गया, तो ये 10 दिसंबर 1948 से किया गया। तो इसमें उस समय सभी देशों ने एक अपना संयुक्त संगठन बनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वो तभी से ये लागू हो रहा है। और इसके बारे में सभी शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाया भी जाता है। तो जो घोषणा पत्र है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी, ये उसकी प्रस्तावना में दिए हैं, ये आपको पढ़ना है। ये देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसकी एक गरिमा रहती है, उसके सम्मान एवं उसके अत्याज अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के ऊपर आधारित है। और मानव को यहाँ विशेष महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार ये मानव अधिकार बताए हुए हैं, ये बहुत सारे हैं, ये तो आप देख सकते हो, ये मानव अधिकारों के बारे में बताया गया है कि मानव को महत्व देना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देश की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका अंग है महासभा, इनके द्वारा ये घोषणा पत्र और ये मानव अधिकार का प्रेषण किया गया। उन्होंने महत्व दिया गया कि व्यक्ति समाज का एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ये अधिकार वाला पाठ हमारा खत्म हो रहा है। तो इसमें आपको सारे अधिकारों को पढ़ना है और मानव अधिकार आयोग के बारे में भी पढ़ना है। धन्यवाद।